डंडेदार राणा ठीक है, उनके खाते में इनकी तनख्वाह थी हर महीने के, और इनको कितने मिलते हैं 500 रुपए। किस चीज की तनख्वाह थी है? जो जो वे क्या बताते हैं मनरेगा का ठीक है, आप चेक करो खुद, सबकी कॉपी उसके घर में रखी हुई है। वो मेरा भाई था, चाचा का लड़का। अच्छा ठीक है जी। और उसने होरों को तो क्या छोड़ता, वो मुझे छोड़ता, राशन कार्ड नहीं बना, मेरे 2 बच्चे हो गए, तीसरा तैयार है, भुक्का इतना वो शमशान घाट हुए। अच्छा कब्रिस्तान हुए, लोग बढ़ाते हैं, उसने कब्रिस्तान खा गया वो। अच्छा 3 बीघे कब्रिस्तान भेज गया वो, और वही वो 3 साल डलवाया। अच्छा मैं पूछा भाई उसके और पैसे कहाँ, कहना हो तो बहुत दिन हो गया, मतलब कार्ड भी लिए थे। अच्छा भाई ये किस तरह का जुगाड़ है भाई, मतलब आपके बिना पूछे निकाल लिए, मुझे पता भी लगा। बस वो माजरा ये लिखवा रखा उन्हें, छीन रखी गरीब आदमी, वो बोल यही तो बात है ना, बोलता नहीं कोई उसके सामने। अब हम भी चाह रहे कि इनका डर खत्म हो गया, बहुत खत्म हो गया, अल्लाह ने चाहता और हो ही जाएगा शायद। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज में, मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। मिशन गांव गांव के तहत आज हम हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है, सीधी बात जनता के साथ। आज हम पहुंचे हैं जलालपुर के टोडा एतमाल में, जहां पे ग्राम प्रधान का भी इलेक्शन चल रहा है जैसे कि आप जानते हैं, और जिला पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं जो कि जिला पंचायत सदस्य का होता है, BDC का भी चल रहा है, यानी कि त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं। और आज हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी लोग जुड़े हैं, इनसे जानते हैं हम सीधी बात जनता के साथ प्रोग्राम में कि जनता का क्या मन है, पुराने को ही चाह रही है या नए को चाह रही है, पुरानों ने क्या वादे किए थे और नए क्या वादे करके आ रहे हैं, तो जो वादे पुरानों ने किए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए, तो चलते हैं सीधे जनता के पास। जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? रफलू जी। बाबा जी आप काफी उम्र दराज लग रहे हैं, काफी साल से यहाँ पे रहते हैं, तो क्या बदलाव हुआ है यहाँ पे टोडा एतमाल में? तो नवे को करेंगे जी। नवे को क्यों करेंगे? क्यों पुराना हमारा काम करना है जो नवे करेंगे अगर, लेकिन पुराना वाला तो कह रहा है बहुत सारे काम किए हैं। नहीं नहीं चाहे उन्होंने कुछ भी करा, हम नवे करेंगे भैया। नवे को करेंगे यानी कि परिवर्तन चल चुकी है। तो बाबा जी ने कहा है कि परिवर्तन हो चुका है, तो यहाँ पे हमारे साथ तो कुछ और भी लोग हैं। जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अच्छा बोल नहीं सकते, तो मन में तो बहुत कुछ है लेकिन बोल नहीं सकते, कोई बात नहीं, और भी लोग हैं हमारे साथ, ये युवा साथी हैं, थोड़ा सा आगे को आ जाओ। क्या चाहेंगे आप? भाई क्या चाहेंगे, क्या भाई हमारे बड़े बुजुर्ग अब की बार परिवर्तन का नाम है वाजिद भाई को, ने चाहे कुछ भी किया लेकिन अब की बार मुकर्रम भाई को फुल सपोर्ट है। तो जब वाजिद भाई ने बहुत कुछ किया है, आप कह रहे हैं वाजिद भाई ने कुछ भी किया है, तो वाजिद भाई को क्यों नहीं? वाजिद भाई ने किया है लेकिन उन लोगों के लिए किया है जिनका पेट भरा हुआ है, जो छके हुए लोग हैं, जो हमारे जैसे गरीब जनता है ना भूख की प्यास से, उनके लिए कुछ नहीं करा। अच्छा गरीब जनता में क्या विकास चाहिए आप लोगों को? क्या क्या विकास चाहिए? हर आदमी को बिजली पानी या सड़क या भाई दुख तकलीफ में काम कुछ भी हो, लेकिन क्या है यहाँ कुछ भी नहीं है, रोजगार तो है नहीं बिल्कुल भी, खत्म बिल्कुल। यहाँ पे हर आदमी बाहर फिर रहा भागा। अच्छा यहाँ कोई कुछ भी नहीं है, मजदूरी तक भी नहीं रही यहाँ, तो बताओ क्या काम है। लेकिन मजदूरी सरकार की तरफ से तो मनरेगा योजना में मजदूरी आती है 120 आती तो है, लेकिन है तो नहीं, बताओ कौन सा यहाँ मजदूर आदमी किसके मनरेगा में कोई किसी को मजदूरी मिल रही है या कुछ मिल रही, कुछ भी नहीं है जी। ये मजदूरी खड़ा सारे मजदूर खड़े हैं, कोई नहीं है यहाँ, कोई मजदूरी नहीं है। थोड़ा सा आगे को आ जाओ। हाँ जी हाँ, अभी तक हमारी कोई मजदूरी नहीं है। हम मनरेगा की योजना के तहत तो 120 दिन की मजदूरी तो भारत सरकार ने दे ही रखी है जी। नहीं हमको जब नहीं मिली नहीं तो हम कैसे बता देंगे, हमें जब मिली तो हम कैसे कह देंगे। अच्छा तो यहाँ पे मनरेगा है ही नहीं या आती है तो अंदर जी हमें नहीं पता जी, देखो जब हमें मिली तो हम कैसे कह देंगे आती हो आई है ऐसी समाज है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा जी कि वास्तव में गरीब आदमी है, अच्छी समाज को देखो, पता मनरेगा है क्या चीज है पता ही नहीं है। अच्छा पूरे जिले हरिद्वार में एक सीट यही है कि जहाँ पे दूर की लड़ाई हो रही है, यानी कि दो ही पहलवान खड़े हुए हैं, नहीं तो जहाँ पे भी देखो कोई कहीं पे 8 है, कहीं पे 9, कहीं पे 10, यहाँ पे दूर की लड़ाई पे कौन जीत रहा है? यहाँ पे तो मेरे ख्याल से मुकर्रम ही जीतेगा। अच्छा ऐसा क्यों? ऐसा यो है कि वो नया बच्चा है और समझदार है, सीधा आदमी है, बिल्कुल सिंपल। अच्छा सिंपल आदमी है, सिंपल है। चुनाव निशान क्या है आपसे जानना चाहेंगे? अनानास है उसको। अनानास है, तो आपने सुना कि सिंपल आदमी है, सीधा आदमी है, वही जीतेगा। इस तरफ भी खड़े हुए हैं मेरे, इस तरफ भी लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि चारों तरफ से जब जनता की बात होती है सीधी, तो सीधी ही जनता खड़ी भी होती है जी। युवा है आप, क्या नाम है आपका? वाजिद नाम है। आप युवा हैं जी? जी। क्या नजरिया है आपका युवाओं के नजरिए से? हम तो गरीब आदमी है जी, क्या करें। हाँ जी
काम हमारे उतने नहीं। अच्छा जी, तो क्या काम चाहिए आपको? हमें चाहिए बिजली पानी सड़कें मकान। हाँ। जो आते हैं वो मिलते नहीं। हाँ। ठीक है जी, बीच में सब लोग खा जाएं। तो पिछले कई सालों से एक ही प्रधान रहा है आपके गांव का, तो क्या कुछ करा नहीं है? कुछ नहीं करा जी, मुँह देखा काम करे जी, सारा काम करता है मुँह देख के। कौन था प्रधान पहले? वही प्रधान थे। वाई तो उप प्रधान थे ना? जी जी हाँ। प्रधान तो छोटे ही थे वो? नहीं, बड़े प्रधान थे जी। वे बड़ा प्रधान थे जी जी। अच्छा जी, दोनों भाई थे जी। अच्छा, दोनों भाई प्रधान थे जी जी जी। तो दोनों भाई ने कुछ नहीं सोचा? कुछ नहीं सोचा दोनों। तो अब जनता क्या सोच रही है उनके लिए? जनता सोच रही है क्या मुकर्रम भाई को बना दे। जनता मुकर्रम भाई को बना जी जी जी। आप? मेरा नाम नूर हसन है जी। हाँ जी, क्या चाह रहे हैं जी? हम क्या चाह रहे हैं, हम तो देखो खुलेआम से मुकर्रम के साथ है, और जितने हमारे लोग हैं सबका संपर्क इनके साथ है जुड़ा हुआ, और वोट भी नहीं देना चाहते, दिलाना भी नहीं चाहते। अच्छा, जो पुराने जो प्रधान थे लोग क्या कह रहे क्या नहीं है, हमारे लिए तो उसने कुछ नहीं किया। और तो और हमारे सामने हमारा पड़ोसी है, उसको कहा तेरा बड़ा आएगा तो बकरी खरीद ले। वो इतनी गरीब आदमी है, वो पता नहीं 2000 किस ले, इससे ले, इससे ले, वो बकरी लाई। अब उसको गोली दे रखी उस दिन से। अच्छा, क्या गोली दे रखी? कि आएगा आएगा आएगा। क्या आएगा? वो बड़ा बकरी। अच्छा, अच्छा। बकरी का जो पशु का वाड़ होता है वो। अच्छा, जो सरकार की तरफ से। हाँ, अब वो आएगा आएगा। हाँ। अब उसको 10,000 रुपए खर्च करवा दे, वो गरीब होती फिर। तो बाड़ा नहीं आया, यानी कि चुनाव आ गए। चुनाव आ गया है? बस ऐसे हो रहा है। तो चुनाव में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अटका रखा है, तेरा मकान आएगा, ये आएगा, पैसे खर्च करवा दिए, लेकिन वो आया नहीं, चुनाव आ गया। अच्छा, चुनाव आ गए जी। तो क्या चुनाव आ गए, तो क्या करके जाएंगे चुनाव? चुनाव तो एक तरफा है, आपकी बार एक तरफा है, मुकर्रम की तरफ है। चुनाव एक तरफा है कि चुनाव आ गए, लेकिन वादा जो है वो अभी तक नहीं आया। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, ये हमारी सारी गरीब बस्ती है, लेकिन लोगों के मुँह से सुना जा रहा है कि हम लोगों के खुशी से परेशान हैं, लेकिन साहब हम लोगों की खुशी से परेशान नहीं हैं, हम अपने दुख से परेशान हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने हमारे बीच में मुकर्रम भाई को भेज दिया हमारा दुख बांटने के लिए। क्या दुख है आपको, जो दुख की बात करिए? सारी परेशानी है, घर में मकान नहीं है, सड़क नहीं है घर में, बहुत समस्या है। हर तरफ मुकर्रम भाई हमारा साथ दे रहे हैं, ये अल्लाह का ही करना है कि मुकर्रम भाई को कुछ जरिया बना के हमारे बीच के अंदर अल्लाह पाक ने डाला है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मुकर्रम भाई सबसे अच्छे है, और हमारे प्रधान यही है। तो इन्होंने तो डिसाइड कर लिया है, प्रधान का जो चुनाव निशान है वो भी लगा के घूम रहे हैं अनोनास है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, कुछ युवा लोग भी हैं, हर तबके का व्यक्ति यहाँ पे है, और अपनी अपनी पीड़ा लेके जो है हमारे से बात कर रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है। मोहम्मद अफजाल, किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को? इस चुनाव को एक ही तरीके से देखा जा रहा है, मुकर्रम भाई के पक्ष में। अच्छा, मुकर्रम भाई के पक्ष में देखा जा रहा है, बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्यों? क्यों, पिछले सात साल हो गए। अच्छा, ठीक है जी। यहाँ पे कम से कम 150 मजदूर हैं जिनके नाम लिखे हुए बैंक में जाके पता कर लो, डंडेरा राणा, ठीक है, उनके खाते में इनकी तनख्वाह आती है हर महीने के, और इनको कितने मिलते हैं? 500 रुपए। किस चीज की तनख्वाह आती है? जो वे क्या बताते हैं, मनरेगा का, ठीक है। आप चेक करो खुद, सबकी कॉपी उसके घर में रखी हुई है, ठीक है। और किसी को यहाँ कितने मिलते हैं आपको बुला के ले जाएगा 500 रुपए निकालने के लिए? अगर एक लड़के ने अभी 2-4 दिन पहले निकाल लिए होंगे पैसे, उसके घर 6,000 रुपए, उसके घर में कोई दिक्कत, उसकी बीवी परेशान थी। वैसे आप बताना चाहेंगे कि कितनी तनख्वाह है मनरेगा के तहत एक मजदूर की? एक मजदूर की 6,000 रुपए आते हैं, ये नहीं पता उसमें 5,500 आ रही है, 6,000 रुपए उनके खाते में आ रहे हैं, मिल रहे सिर्फ 500 खुद निकलवा के देता है घर से बुला के। और बताओ ये मजदूर कौन सी हेल्प हो रही है? किसी का कोई टीन सेट आता हो, किसी का मकान मेरा तैयार खड़ा, पुताई करवाई, मुझे 50,000 रुपए दे दिए, नाम लिखवा दे सरकारी आया, बाकी पी का। अच्छा, हाँ जी, मतलब आपने खुद अपने पैसों से मकान बनवाया था? बिल्कुल, अपने पैसों से मैंने खुद मकान बनाया, मेरे पड़ोस में जाके चेक करो अभी। तो फिर आपने ऐसा क्यों होने दिया? स्लोप चेंज कर दो, नाम शेर अली, मेरा भी नाम शेर अली, आपका भी नाम शेर अली, बाप का नाम चेंज कर दे, मकान आपको दिलवा दे, मेरा मकान आया उसको पैसे मिल जाते, खत्म काम। अच्छा, और उसके अलावा? और यहाँ गरीब लोग हैं, इनको बताता है वो मेरे पैर की जूती हैं। अच्छा। ये क्या नाम, कुएं के मेंढक हैं। हाँ। अब बताओ ये गरीब बस्ती है, उसके सामने अगर कोई नहीं खड़े नहीं होगी हिम्मत नहीं करता। लेकिन जिन्हें कुएं के मेंढक बताया जा रहा है वो जनता जनार्दन है जी। और तो जनता जनार्दन क्या करेगी इस बार? मुकर्रम भाई को जिताएगी इस बार, मुकर्रम भाई को, क्योंकि पूरे हरिद्वार जिले के अंदर एक यही सीट ऐसी है टोडा एतमाल की जिसमें दूर दूर की लड़ाई हो रही है। जी, बिल्कुल यही है। तो इसमें चुन लिया आपने? जी, इंशाल्लाह चुन लिया। जी, हाँ जी, आपने चुन लिया? हाँ जी, हम तो इसी के साथ। क्या चुनाव निशान है? अनानास। अनानास, तो क्यों चुनाया आपने अनानास को ही? जो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा है।
तो हमने इसलिए उसे चुन लिया जी। सुख दुख में साथ खड़ा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं घर का आदमी इसके घर का। अच्छा घर के भी हैं लेकिन वोटर तो है ही ना? वोटर नहीं, वोटर हूँ। स्किन का जलाल नहीं, मैं जलाल। अच्छा अच्छा, जो कह रही है सही कह रही है, जो सही कह रही है सही, क्योंकि जलालपुर भी यही है पास में, यही है पास है ना जी। तो सुना आपने कि जो कह रही है पब्लिक की सही कह रही है, क्योंकि जलालपुर ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर दूरी पे ही है, क्योंकि जलालपुर में ही ये टोडा एहतमाल आता है। तो यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल सत्तार है जी। अब्दुल सत्तार जी, किस नज़रिए से इस चुनाव को देख रहे हैं आप? इस नज़रिए से देख रहे जी, जो पिछली बार प्रधान था वो मेरा भाई था, चाचा का लड़का। अच्छा, ठीक है जी। और उसने होरों को तो क्या छोड़ता, वो मुझे नहीं छोड़ता। अच्छा, तो वो तो भाई है, चाचा के लड़के हैं। नहीं तो वो तो भाई हैं आपके। हाँ भाई जी, भी तो मैं कह रहा ना, भाई मुझे नहीं छोड़ता, उसने होरों को तो क्या छोड़ देगा। अच्छा, 360 आ रहे हैं, 68,000 रुपये दे रही गवर्नमेंट, मेरे 360 में 20,000 रुपये लगे हुए हैं। अच्छा, वो सारे पीगा, मुझे नहीं पता। आपके अपने अपने ही पैसे लगाए? नहीं, पैसे तो उसने 2,000 तो ईंट दी थी जी, और वही वो 360 डलवाया। अच्छा, मैं पूछा भाई उसके और पैसे कहाँ, कहना हो तो बहुत दिन हो गया, मतलब कार्ड भी लिए थे। अच्छा भाई, किस तरह का जुगाड़ है भाई, मतलब आपके बिना पूछे निकाल लिए, मुझे पता भी लगा आपके खाते में से। हाँ, तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नजर आ रही है कि जिनका खाता उन्हीं के खाते में से। और मैं ही नहीं, ऐसे बहुत से 360 बने हुए अच्छा, जिनमें 20-30,000 का खर्चा हो गया और वो सारे पैसे वो पी गया। अच्छा अच्छा जी, नाली की जगह नाले की जगह नाली बना रखी पूरे गांव में, फिर के देख लो पानी सड़कों में फिर रहा वहाँ। अच्छा अच्छा जी, गरीब आदमी, जितने गरीब आदमी बेचारे, किसी का कोई काम नहीं हुआ, मकान जिनके अच्छी फैसिलिटी उनके मकान बन रहे, जो गरीब आदमी उनका कुछ नहीं। अच्छा जी, वो बेचारे वो कहना उसका अनिल कपूर का, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब सड़क पाएगा। अच्छा जी, तो अच्छे से काम हो रहे हैं यहाँ से। अच्छा, एक शौचालय की भी योजना आती है सरकार के द्वारा जी, बहुत सौ के शौचालय खाएगा तो। क्या इतने इतने भूखे थे वो? भूखा इतना हो? अजी एक मिनट, भूखा सुनेंगे सबकी सुनेंगे जी। भूखा इतना हो जी, शमशान घाट हुए, अच्छा कब्रिस्तान हुए, लोग बढ़ाते हैं, उसने कब्रिस्तान खा गया वो। अच्छा, 3 बीघे कब्रिस्तान भेज गया वो। अच्छा जी, और ये पूरा गांव खड़ा पता कर लो। तो जैसे यहाँ पे चलो गरीब तबका तो है और पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं बुद्धिजीवी भी है, तो कोई आवाज़ नहीं उठाई उनके लिए? अजी सारे गरीब आदमी बाहर के आए हुए हैं, कौन आवाज़ उठाओगा? अच्छा, डरते हैं सब बेचारे उससे। और क्या, क्यों डर काहे का है, किस बात का डर है? दबंगे क्या? दबंग नहीं, वो चोर भी दबंगे तो बहुत बड़ा डका तो। अच्छा हाँ, तो यानी कि सब डरो। हाँ तो लेकिन पुलिस को शिकायत करनी थी ना? अरे पुलिस कहाँ, ये मैं बता रहा है, गरीब आदमी कहाँ कर देंगे शिकायत, में खाने को तो रोटी नहीं है। अच्छा, घर में आटा नहीं। अच्छा अच्छा, बच्चे पर कपड़े नहीं। अच्छा एक बात बताएं, जैसा अभी आपने कहा दबंग है और चोर है, आप उनके परिवार में से है और उनके भाई है, तो आपको डर नहीं लग रहा है? क्यों, मैं तो उसके पापा से डरता, मैं डरता बिल्कुल भी डरता जी। हाँ, तो यानी कि अब किसे चाह रहे हैं आप? अब तो मुकर्रम को चुनदिया हमने आया खड़ा। हाँ भाई, तो यहाँ पे हमारे साथ एक बुजुर्ग और भी है, वैसे तो भाई है, बहुत ही अच्छी बात जी। क्या कहना चाहेंगे आप? जो पूछो है जो पूछो। तो हम ये पूछ रहे हैं कि आप मुकर्रम को क्यों चाह रहे हैं, जो पहले प्रधान था उसे क्यों नहीं चाह रहे हैं? उसने तो बहुत विकास किया यहाँ पे। मुकर्रम को हम इसलिए चाह रहे हैं कि ये दादा इलाही प्रधान बने हुए आ रहे, कोई दुखी नहीं है इनके उसमें। अच्छा, और वो पहले से प्रधान बना दूसरा, और वो डकैती मार खा गए सारे को। तो कितने साल हो गए उन्हें? आज उसकी जमीन भी बेच, बोलो थोड़ा सा कैमरे की तरफ को बोलो। हाँ जी, हाँ जी, कितने 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 साल हुए प्रधान बने हुए उसे? ये पूरी योजना है 5 साल की। अच्छा, 6 साल हो गए, 7वां लग गया, 7वां साल चल रहा है। हाँ, तो 7 साल से डकैती मार रहे हैं। 7 साल से 1 रुपया भी उसे नहीं दिया, वो फकीर बन गया बिल्कुल। लेकिन जब हमारे घर में चोर आ जाता है, डकैत आ जाता है, तो हम लाठी डंडे लेके दौड़ते हैं मारने के लिए उसे। मारने के लिए तो चलते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत भी तो हो? अच्छा, हिम्मत नहीं है इतनी, किसी में हिम्मत नहीं तो है। चोरी तो आप खुद ही करवा रहे हैं फिर? तो चोरी क्या, जब माल लिया अगर आदमी में हिम्मत होगी तो वो तो चोर को खुद नहीं पकड़ेगा क्या? यानी कि चोर जैसा भी है लेकिन हिम्मत चाहिए उसे पकड़ने के लिए। हाँ जी जी जी, बताएं 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 बताएं।
मेरे भाई अगर राशन कार्ड अभी तक नहीं बना, उसका लड़का इतना बड़ा हो गया, अच्छा अभी तक नहीं बना, उसके 1000 रुपए भी पी गया लेके। अच्छा जी हाँ, यानी कि राशन कार्ड बनवाने के लिए 1000, जो कि सरकारी फीस 20 रुपए है सिर्फ राशन कार्ड बनवाने की, 10 रुपए है, लेकिन हम मान लेते हैं कि फोटो स्टेट कराने का खर्चा जो है 20 रुपए ज्यादा से ज्यादा आता है, लेकिन कितने लिए? 1000 रुपए मांगे थे। 1000 रुपए जी, उस अभी तक नहीं बना, ना उस पे दिए गए पैसे ना उसका राशन कार्ड बना। अच्छा, प्रधान हो के मतलब 1000 रुपए नहीं दिए गए जी, और राशन कार्ड भी नहीं बना जी, अभी तक नहीं बना। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनका राशन कार्ड नहीं बना अभी? जी मेरा तो, मैं तो अपना कैसे कैसे बहुत लोग हैं। हाँ जी, काफी आदमी हैं जी अभी तो। अच्छा हाँ, मेरे से अच्छा आपका भी नहीं बना है? मेरा राशन कार्ड नहीं बना, मेरे 2 बच्चे हो गए, तीसरा तैयार है, लेकिन अभी तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना। अच्छा, मेरे घर पे 3 सेट बना, मेरा 2 बार मकान लिखवा चुका, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं है। अच्छा, पूरी बरसात में पानी भरे मेरे घर में, मैंने कहा मेरे रोड नीचे करके बना दो, 2 इंच ऊपर उठा के बनाएगा, लगा तेरे घर में पानी जरूर भरेगा। अच्छा अच्छा हाँ। क्यों, पर्सनल दुश्मनी है? पर्सनल दुश्मनी कुछ नहीं, उसका कट्टर वोटर था मैं, कट्टर के वो उसका वोट कहीं नहीं कटे था, मैं उसका वोट पक्का था। अच्छा, लेकिन जब से उनने मेरे साथ में गद्दारी शुरू करी मैं उससे कट गया। अच्छा हाँ, तो कट्टर वोट आपको दुख नहीं हो रहा कि मतलब अपने इतने पक्के समर्थ प्रत्याशी को छोड़ के आप दूसरे के पास? अरे यार, अब बच्चे बड़े हुए जा रहे, कब तक उसकी पीछा करूंगा, अब मैं अपना मुकर्रम भाई को लेकर आया। अच्छा, अब उसे बनाऊंगा। अच्छा, मुकर्रम भाई को भी आप ही लोग लेके आए? हाँ, हम लाए, बिल्कुल हम लाए। अरे क्या खासियत देखी मुकर्रम भाई के अंदर? मुकर्रम भाई के अंदर एक तो शराफत है, दूसरी बात ये मजदूर भाई का जो है साथी है। अच्छा हाँ, और आगे के लिए भी हमेशा के लिए मजदूर आदमी का साथ देगा। तो मुकर्रम भाई को इन्हीं मजदूरों ने खड़ा करा है, इन्हीं गरीब लोगों ने खड़ा करा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि हमारे दुखों का अगर जो निवारण करेगा तो मुकर्रम करेगा, यानी कि इन्होंने मुकर्रम को अपना मसीहा मान लिया है। तो इसी के साथ हमारे साथ जो यहाँ के प्रत्याशी है, जो इनके मसीहा है, वो भी हैं, आपको उनसे भी मिलवा देते हैं। तो मुकर्रम जी भी हमारे साथ मौजूद है जी। मुकर्रम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जी भाई, यही जनता का जो विश्वास है, ये कभी विश्वासघात नहीं होने दूंगा मैं इनके साथ जी। अभी इन्होंने आपको अपना मसीहा मान लिया है और आप दिन रात साथ रहे, तो जीतने के बाद भी ऐसे ही रहोगे या बदल जाओगे? नहीं नहीं, इंशाल्लाह ऐसे रहूंगा, इनका साथ विश्वासघात नहीं होने का कभी भी जी, ये मैं आपको वचन देता हूँ। तो क्या सोच रखा है आपने, जो आप मीडिया के सामने तो वचन दे रहे हैं, लेकिन जनता को क्या वचन दिया, किस तरीके के कार्य करेंगे इनके साथ? कार्य सबसे पहले तो यहाँ गरीब जनता है सारी। हाँ जी, चद्दर पड़ी आप घूम के देखो सबके घर पे जी, किसी के यहाँ लिंटर नहीं आए। अच्छा, सबसे पहले तो काम होगा चद्दर हटाने का। अच्छा, उसके बाद होगा काम जो पल्ली चद्दर या सब पड़ी, उसके बाद लिंटर का काम होगा जो लिंटर वाले रहे जी। मनरेगा के पैसे बहुत खा लिए इसने। अच्छा, मनरेगा के ये हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से जो आवासीय योजना आती है, तो आपने कहा है कि सारे गांव में 3 शेड ही पड़ी हुई है जी। क्या एक भी मकान आवंटित नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ, 4 मकान है, ये भी हमने कुंवर पंडाव जी चैंपियन को दी थी एक एप्लीकेशन, राधा एक हमारी बहन जी, उसने दी थी लिख के, उनके थ्रू 4 मकान है अभी जी। इसने बता रखा कि 30 मकान चढ़े हुए हैं, हमने ब्लॉक में जाके पता करा उनका, वहाँ पे एक भी मकान नहीं चढ़ा हुआ। अच्छा, 30 मकान इनके द्वारा बोला गया है कि चढ़ा हुए हैं जी, जी। लेकिन वहाँ जाके शून्य, कुछ नहीं है, ये खत्म है बिल्कुल मामला। अच्छा जी, विश्वासघात कर रखा इनके साथ, गरीब आदमी, गरीब बस्ती है, कोई बेचारा बोलता नहीं, कोई डर के मारे। अच्छा, किसी को मुकदमे में। एक बात जानना चाहेंगे मुकर्रम जी, डर किस बात का है कि जो इतनी जनता जो नहीं बोल पा रही है उनके सामने? डर यही जी, मैं डरते है कभी हमें उल्टे मुकदमे में ना फंसा दे। अच्छा, फंसा भी रखा उन्होंने बहुत को। अच्छा, काफी को फंसा रखा है। हाँ, तो भैया डर है इनके अंदर और कुछ नहीं है। मुकदमे का डर है? मुकदमे का डर है जी, अब बेचारा मजदूरी करे, 2 दिन लगे, 4 दिन नहीं लगती, अब बारिश चल रही, आज मजदूरी पे कोई भी नहीं गया बेचारा, अब कहाँ से आओगे इनके यहाँ, 300-400 रुपए की दिहाड़ी करे, ये सोचो ना जी, तो अब कहाँ से बेचारे मुकदमा लड़ेगा, कहाँ से कंप्लेंट करेंगे जाके जी। ये डर बिठा रखा है इनके अंदर, यानी कि अभी ये डर आप निकालेंगे इनके मन से? इंशाल्लाह, इनका सहयोग मुझे इतना मिल रहा, मैं सोच भी नहीं सकता इतना सहयोग मिल रहा। हाँ जी, बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा, इतना मिल रहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। इंशाल्लाह इनके साथ मिलजुल के रहूंगा, ये भी मेरे साथ ऐसे ही रहे और मैं भी ऐसे रहूंगा इंशाल्लाह। जो सपने इन्होंने देखे हैं सबने जी, और आपको अपना एक तरह से मसीहा ही मान लिया, पूरा सपने इनके पूरे करूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह चाहता। चलिए, हम भी चाहेंगे कि आप इनके सपने पूरे करें। और ये थे हमारे साथ
मुकर्रम जो कि प्रत्याशी है जिनका चुनाव निशान है अनानास का, जिन गरीब जनता ने, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारो, ये बहुत एक मशहूर गाने में भी लाइनें हैं, तो आज यहाँ पे ये लाइनें सही साबित होती दिखाई दे रही है, सटीक साबित होती दिखाई दे रही है। तो इन लोगों ने सबने ही अपने प्रत्याशी को खुद चुना है, खुद मैदान पर उतारा है और खुद इनको चुनाव लड़वा रहे हैं। और यही एक पूरे जिले में ऐसा गाँव है जिसमें दू और दू की लड़ाई है, यानी कि पहलवान आमने सामने खड़े हैं, आसपास कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन जनता की हमने बात सुनी है, सीधी बात सुनी है। इसमें हमारे साथ जी एक हो रही है, इसमें एक ये कब्रिस्तान में जो टंकी लग रही है। हाँ जी, अब मैडम आई थी, मैडम से अब वो वहाँ से जो कौन सी मैडम आई थी, पटवारी आई थी यहाँ पे। हाँ जी। तो अब वहाँ से जो पूर्व प्रधान है, छोटा प्रधान है वैसे तो वो वाजिद, अच्छा। सुशील आए यहाँ पे जो प्रधान है। हाँ। अब वो बेचारे सीधे आदमी है। अच्छा, उनकी... एक मिनट आपने कहा है सुशीला प्रधान है, वाजिद छोटा प्रधान है, लेकिन इन सब गांव वालों का कहना है कि वो ही प्रधान है, ये क्या माजरा है? बस वो माजरा ये लिखवा रखा उन्हें, छीन रखी गरीब आदमी, वो बोल यही तो बात है ना, बोलता नहीं कोई उसके सामने। अब हम भी चाह रहे कि इनका डर खत्म हो गया, बहुत खत्म हो गया, अल्लाह चाहता अरे हो ही जाएगा, सहसा किसी की नहीं चली। तो लिखवा रखी प्रधानी क्या प्रधानी लिखवा रखी कि इनके बस का प्रधानी ना, मैं प्रधान नहीं करूंगा। अच्छा, ये लिखवा रखी, बड़ी भी वही कर रहा, छोटी भी वही कर रहा। अच्छा, अब यहाँ कहते हैं लोगों को कह रहा देखो मैंने एक चमार प्रधान था, वो प्रधानी मैं कर रहा हूँ खुद, इन भाइयों को हमारे कहे, ये भी गलत बात है उनकी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज इंसानियत है। जैसे भाई है हमारे ऐसी ही है, इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है। दूसरा टंकी लग रही कब्रिस्तान में, अब इनसे पूछा कब्रिस्तान में एक बिस्सा कोई जमीन ला के डाल लो वहाँ पे, तब बहादुरी मानने हम। अब वो घटा रहा और वहाँ पंचायत घर बना दिया एक तो। अच्छा। अब टंकी का प्रस्ताव इसमें 30 तारीख को दिया, अब इनके हाथ में जनता के वोट अगर ये सही जगह कर रही है तो इंशाल्लाह गारंटी हम ले रहे हैं वहाँ टंकी लगाना हम नहीं देंगे। शमशान घाट की भी बात बताई गई है, शमशान घाट में घोटाला कर रखा उसने, शमशान घाट में भी कितनी दे रखी है, तो 4.5 बीघे में 2 बीघे दे रखी है। अच्छा, तब वहाँ भी घोटाला कर रखा, 4.5 बीघे जमीन है टोटल, 4.5 बीघे वो भी 1.5-2 बीघे दे रखी वहाँ पे। और कब्रिस्तान की जमीन कितनी है? वो तो 22 बीघे थी, 22 बीघे उसमें मुझे लग रहा 4 बीघे भी नहीं आया, क्यों जी 4 बीघे भी नहीं आए। और जबकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो कहाँ दफनाई होगी इतने कम जमीन पे, तो हो नहीं। तो हम कह रहे हैं अगर इन्होंने अब कभी ना समझा ना वो करा, अरे साहब आज से 15 साल पहले कॉलोनी थी, वो भी डकर रखी उसने, वो भी चमारे से छुटवा दी। अच्छा। हाँ, वो आज तक नहीं थी, उसने वहाँ गेट लगा के अपनी दीवार करके बैठ गया, यानी कि अपनी प्लॉटिंग कर रहे हैं, अपनी प्लॉटिंग कर ली उसने, चमारे पे से कोई वो नहीं दिया भाई, पट्टे आए थे चमारे के, हाँ पट्टे, पूरी कॉलोनी आबादी दर्ज है वो। अच्छा। हाँ, चमारे की फकीरों की भी। अच्छा। सब खा गया, मतलब दोनों ऐसी जातियों के लिए पट्टे आए थे, लेकिन कॉलोनी उनकी बन रही है, कॉलोनी घेर ली सारी उन्होंने, मकान बना लिए, मकान बना लिए। हाँ, वो उन्होंने प्लॉट। हाँ जी, क्या कह रहे हो? आगे आ जाओ, कुछ और भी युवा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और युवा भी बढ़ चढ़ के साथ ले रहे हैं, इतने वो आगे आ रहे हैं, एक भाई और भी है हमारे साथ। हाँ, क्या कहना चाहेंगे भाई? हमारा मानना तो पहले एक तरफा इलेक्शन होता था, पीछे अब हमारे मुकर्रम भाई शेर उतर गया मैदान में, अब वाजिद भाई जीत के दिखाए तो हम माने। अच्छा। हाँ, तो हमारा मानना है कि मुकर्रम भाई हमारे लिए शेर ही है और हमेशा शेर ही रहेंगे। अच्छा। और इस बार मुकर्रम भाई एक तरफा जीतेंगे, वोट गिरने की भी जरूरत नहीं हमें। अच्छा। मुकर्रम भाई जिंदाबाद, मुकर्रम भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत सारे लोग हमें पीछे से तो बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन शायद सामने से आने से डर रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पे एक तरफा ही मत हो गया, अगर जो शासन प्रशासन यहाँ पे आके वोट वैसे ही करता तो हो सकता है कि निर्विरोध मुकर्रम यहाँ से इलेक्शन जीत जाते। इसी के साथ बने रहिए राइज न्यूज में, मिशन गांव गांव के तहत आपको ले चलते हैं अगले गाँव में, जब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।